न्यूरोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक जो है एयरफोन, देख सकते आप लोग, ये वायरलेस ब्लूटूथ एयरफोन है, देख सकते आप लोग वायरलेस है फुल। तो आज हम इसमें क्या है दोस्तों, ये ऑन करता हूँ मैं, इसको ऑन नहीं होता, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। देखिए दोस्तों मैं कितना इसे बटन दबा रहा हूँ यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि ये मुझे दबाने से नहीं हो रहा है ऑन। दोस्तों इसमें बहुत सारे इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो चलिए पहले हम इसको खोलेंगे और धीरे धीरे प्रॉब्लम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यही यहाँ से बटन से नहीं हो रहा था, हम पहले इसका बटन ही ये सेट खोलेंगे इसका। तो दोस्तों जो है ये अभी मैंने नया ही परचेस किया, 3-4 दिन हुआ है दोस्तों ये। तो हम इससे पहले खोल लेते हैं कि इसे देखेंगे अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है, अभी हमारा नया ही था। तो दोस्तों आपको मैं पहले एक बात बता दूँ कि जिससे आप लोग एयरफोन कोई भी ले रहे हैं तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं दोस्तों, तो ये पहले आप क्या कीजिए, उनका गारंटी जो रहेगा दोस्तों पहले पूछ ले गारंटी में है कि नहीं, क्योंकि गारंटी रहेगा तो दोस्तों ख़राब होगा आप जाके वहाँ पे रिपेयर हो जाएगा और कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। इसलिए पहले दोस्तों जब आप कोई नया एयरफोन ले तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप गारंटी से लीजिए और क्वालिटी थोड़ा अच्छा देख के लीजिए, जो कि अच्छा क्वालिटी था ये। अब इसका भी गारंटी है दोस्तों, पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें रिपेयर करके ख़राब क्या इसमें। चलिए इसको पहले हम सिंपली खोलेंगे, तो यहाँ मैं इसे खोल लेता हूँ। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जब आप खोलेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा वायर मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, कैसे ये सेट था, वो सबका ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाद में आपको तकलीफ होगा इसे पैकिंग करते समय, ठीक है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ इसको भी, प्लेट को भी आराम से, कोई भी वायर को दोस्तों करना नहीं, क्योंकि हम लोग इसे पहली बार खोल रहे हैं, तो हमें एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि आराम से खोलें आप, क्योंकि ये सब बहुत छोटे होते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों जो है मैं आप धीरे से खोलें पूरा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ वायर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों जो है ये वायर है यहाँ पे, देख सकते आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइक स्पीकर का जो वायर है, साइड का जो स्पीकर लगा रहता है, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का है, और ये हमारा पावर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे हमारा पावर ऑन ऑफ क्यों नहीं हो रहा, तो पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं ऑन करके एक बार और। तो दोस्तों जो है हमने अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसका वहाँ से वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि दोनों का वोल्टेज है। तो दोस्तों उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन शायद हमारा ख़राब होने का चांस रहता है, पानी जाने से अंदर ख़राब हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को अटैच करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों अभी ख़राबी इसके अंदर ही कहीं से है। तो हम इसका वोल्टेज यहाँ से चेक करेंगे। तो दोस्तों जो है हम इसका डायरेक्ट पहले यहाँ से वोल्टेज चेक करेंगे, जो वायर दो है, ठीक है, हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हम कुछ वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों जो है मैं यहाँ पे मल्टीमीटर यहाँ पे रख लेता हूँ, और दोस्तों चलिए हम इसका वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं, इसके अंदर वोल्टेज भी आ रहा है कि नहीं, ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दोस्तों जो मैं यहाँ पे प्लस प्लस में और माइनस माइनस में लगा लेता हूँ, देखते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे 0.23 कुछ इस तरह बता रहा है, क्योंकि एक वोल्टेज भी नहीं आ रहा, देखते आप लोग जिस प्रकार हो रहा है करंट। तो दोस्तों जो इसमें करंट सही से नहीं आ रहा अभी तक, हम इसको भी क्या करेंगे, चलिए हम इसको यहाँ पे साइड में कर देते हैं। दोस्तों जो इसके अंदर सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा है, मुझे मिल गया अभी सप्लाई, तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक बार हम इसे पहले चार्ज करते देखते हैं अभी चार्ज होता है कि नहीं ये। तो दोस्तों जो है मेरे पास यहाँ पे चार्जिंग केबल है, दिखता आप लोग, तो हम इसको जो इसके अंदर लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते आप लोग ये लाइट जो हमारी जल चुकी है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे हमें ऑन करते हैं अभी एक बार, देख लेते हैं ऑन होता कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते आप लोग ये जो है ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते आप लोग ये ऑन अभी तक बंद हो नहीं रहा है, कुछ सिर्फ जल भर रहा है। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये पावर आने से नहीं हो रहा है, तो अभी देखते हैं बैटरी शायद हमारी चार्ज होगी, उसको निकाल लेते हैं। वोल्टेज फिर से इसका बैटरी का चेक करेंगे वोल्टेज एक बार। जो है ये बैटरी का ही मुझे प्रॉब्लम अभी लग रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर सप्लाई सही से नहीं आ रहा है। हम इसका जो बैटरी का साइड है इसका भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों एक बात मैंने पहले ही बताया था कि आप जैसे अगर खोलते हैं तो याद रखना होगा कि कैसे लगा था कैसे नहीं, तभी आप खोलें, क्योंकि ये सब बहुत महंगा चीज़ आते हैं दोस्तों, ख़राब हो जाता है, कुछ भी जल्दी रिपेयर नहीं होता। तो दोस्तों जो यहाँ पर मैं इसे निकाले तो बाहर, तो दोस्तों जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अंदर एक तार जो है रेड वाली छटक चुकी है इसके अंदर, जो कि निकल चुका है।
लगता है सोल्डरिंग टूट गया, कुछ हुआ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, देख सकते हैं आप लोग रेड वायर जो प्लस में लगा है क्या शायद, हाँ। तो दोस्तों बैटरी के प्लस में लगा था यहाँ पे, क्योंकि निकल चुका है कॉप्सली। दोस्तों ये अंदर सब कुछ अंदर ये सब प्रॉब्लम होते रहते आजकल के। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जिससे आपकी बैटरी जा नहीं रहा था, आप खोलते उसे सप्लाई सही से नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों एक बार बैटरी आपको चेक कर लेना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं प्रॉब्लम, बैटरी एक बार चेक करना होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे आप कोई गाना लगाते हो 10 मिनट भी नहीं चलता आपका, ऑटोमेटिकली ये हमारा ब्लूटूथ जो है बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये समय ज़्यादातर बैटरी का भी प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे वायर देख लिया, वायर निकला हुआ है। हम इसका बैटरी का वोल्टेज अभी चेक कर लेते हैं, कितना वोल्टेज हमारा चार्ज है बैटरी। तो दोस्तों जो आप लोग ने देखा ये हमारा वोल्टेज है 4.8, यानी 4 वोल्ट बैटरी में आ रहा है। तो हमारा यही दोस्तों गड़बड़ है कि तार छटक गया, इसकी वजह से जा नहीं रहा। तो दोस्तों कुछ में क्या होता है, देखते हैं आप लोग बैटरी इसका कैसा है, बड़ा साइज़ का है। कुछ दोस्तों जो ऐसे ब्लूटूथ एयरफोन होते हैं जो दोस्तों उसमें कुछ इस प्रकार का रहता है बैटरी, ऐसे दो भी लगे रहते हैं, एक भी लगा रहता है, ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज़्यादातर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लूटूथ काम नहीं करता सही से, तो बैटरी आप चेंज कर सकते हो। पर दोस्तों मुझे लगता है अभी मेरा बैटरी ख़राब नहीं तो दोस्तों मुझे 100-200 का झटका लग जाता है, वापस खरीद कर आना पड़ता बैटरी। तो इसको चलिए सोल्डरिंग से रिपेयर कर, तो दोस्तों मैं सोल्डरिंग से सोल्डिंग कर दूंगा ताकि ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जो है मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, अभी से हम ऑन कर लेते हैं, देखते हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों जो है आप लोग देख सकते हो जो कि बिल्ड अप हो रही है। तो चलिए हम इसके बाद कनेक्ट करते हैं, पहले इसे पैप पैक कर लेते हैं पूरा एक बार अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते आप लोग किस तरह बता रहा है, चलिए हम इसके पैक कर लेते हैं बंद करके। तो दोस्तों जो है ये पूरा पैक हो चुका है, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने खोला था वैसे ही इसे हमें पैक कर दिया है। अब दोस्तों जो हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों जो मैं इसे कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल, जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी उससे इसमें कनेक्ट कर लेता, मेरे पास दूसरा मोबाइल अभी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो है मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, तो दोस्तों चलिए चलिए हम एक बार इसे गाना बजा देते हैं इसमें कि गाना बजता है कि नहीं, बजा के सुना देता आपको एक। तो दोस्तों जो है मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो अब दोस्तों इसका आवाज़ आ रहा होगा इसका, क्योंकि वर्क अच्छे से कर रहा है दोस्तों अभी। दूसरा गाना भी लगा चेंज कर देते हैं, देखते हम लोग। तो दोस्तों जो है बहुत अच्छे से आवाज़ कर रहा है, अभी हमारा रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों जो है इसमें बस थोड़ा सा वायर जो है निकल गया था, उसी का प्रॉब्लम था, बाकी किसी का प्रॉब्लम नहीं था इसमें। तो दोस्तों जो है ऐसा आपको में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोस्तों एक बार बी केयरफुल, खोलते समय एक बार होशियार रहें दोस्तों, खोल रहे हैं जैसे खोल रहे हैं वैसे पैक कीजिए, और जो रिपेयर है जो ख़राब हुआ है दोस्तों उसी को जल्दी रिपेयर करें, बाकी किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना इसमें आपको, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। चलिए दोस्तों मैं वापस आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।